जो टॉपिक है अभी लिखा है मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये टॉपिक चलेगा नया टॉपिक आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो नाम से ही क्लियर है यार कि आपको करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट देखना है, तब करंट होगा और उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब हुआ उसका मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो मैग्नेट्स के बारे में आप सबने सुन रखा है ऑलरेडी, कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल करता है, और रीजन कहा जाता है कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है, वैसे ही होता है मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेट्स के साथ होता है। मतलब फंडामेंटली ये मैग्नेट्स में मिलेगा तुम्हें, और मैग्नेट्स आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैग्नेट क्या होता है। मतलब सभी ने अपना बचपन में मैग्नेट वाले खिलौने बहुत खेले है ना, और मैग्नेट से चिपकाया भी बहुत है। तो उसी का हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, दो तरीके के मैग्नेट्स होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट जो कि नेचर में अवेलेबल है। मतलब नेचर में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो बाय बर्थ कह सकते हो कि वो मैग्नेट होते ही हैं, और कुछ हम लोग लेबोरेटरी के अंदर अपनी लैब के अंदर ठीक है मैग्नेट क्रिएट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग उसका मैग्नेटिक नेचर जनरेट करते हैं। तो इस चैप्टर में आप यही सब पढ़ोगे कि करंट होगा और करंट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो देखो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें, बट उसके पहले, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ बट इसके पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मैग्नेट्स के बारे में आइडिया है ना, एंड देन उसके आगे से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मली जो नेचुरल नेचुरल मैग्नेट्स की अगर हम बात करें, जो हमारे नेचर में हैं नेचुरल मैग्नेट्स, तो वो आयरन के पीसेस टाइप के होते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स की अगर आप बात करोगे तो वो इस तरीके से आते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की उनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, जिसमें से मोस्ट फेमस जो है, जो आप किसी भी शॉप से ले सकते हो, स्टेशनरी के शॉप पर भी मिल जाएगा आपको, जिसको आप बोलते हो बार मैग्नेट। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि तुम सबने कम से कम एक बार बार मैग्नेट देखा जरूर होगा आप लोगों ने। तो इन सब में ऐसा कहा जाता है कि जो बार मैग्नेट होता है वो एक रेक्टेंगल टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर बार टाइप का, और उसका एक साइड जो होता है वो नॉर्थ पोल का काम कर रहा होता है, और दूसरी साइड पर हम लोग ये कहते हैं कि उसी मैग्नेट में साउथ पोल का पता है। मतलब एक साइड नॉर्थ पोल और एक साइड साउथ पोल। मैग्नेट किस काम आता है ये भी आपको पता है, कि इस मैग्नेट के आसपास अगर आप आयरन लेकर के जाते हो, आयरन, तो ये मैग्नेट उस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो उसका मैग्नेटिक नेचर कहते हो। या फिर एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेके जाओ तो या तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर वो रिपेल हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि दूसरे मैग्नेट का कौन सा पोल फर्स्ट मैग्नेट के कौन सी पोल के पास आता है, जिसमें ऐसा कहते हैं कि अगर हम नॉर्थ नॉर्थ पोल को आमने सामने रखेंगे तो वो रिपल हो जाएंगे, और साउथ नॉर्थ पोल को रखेंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। मेन पॉइंट क्या है, देखो मेन पॉइंट क्या है कि ये जो मैग्नेट है ये अपने आसपास आयरन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसका क्या रीजन हो सकता है, आप लोग अनम्यूट हो अभी, आप लोग डिस्कस कर सकते हो क्या रीजन होता है जिसकी वजह से ये आसपास अपने आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है, और इवन दूर से भी अट्रैक्ट कर लेता है। सर, ड्यू मतलब टू अ आप मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जर्ट्स मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक यस, फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक ड्यू फील्ड टू मतलब आप, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इस मैग्नेट की जो रेंज है, रेंज ऑफ दिस मैग्नेट, रेंज ये काफी दूर तक होती है। मतलब इसके आसपास का एक स्पेस होता है, इसके आसपास थोड़ी दूर पर भी अगर आप आयरन को रखोगे ना, इसके थोड़े दूर पर भी, तो वहां पर भी मैग्नेट की एक रेंज होती है। तो एक मैग्नेट की रेंज जहां तक वो आयरन को अट्रैक्ट कर पाए, उस रेंज को आप कहते हो इसका मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से कहा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होगा,
इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, इज अ स्पेस अराउंड मैग्नेट इन विच इट अट्रैक्ट्स सम आयरन पार्टिकल्स और इट अट्रैक्ट और रिपेल, अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट्स. तो मैग्नेट्स में एक्चुअली समझाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है. हमारे इस नेचर में मैग्नेट्स हैं काफी ज्यादा, तो उसको एक फंडामेंटली एक आर्टिकल कहा गया बार मैग्नेट इसके आसपास. तो स्पेस अराउंड मैग्नेट है ना, स्पेस अराउंड मैग्नेट को हम लोग कह रहे हैं कि वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है. प्रैक्टिकली सोच के देखो कि क्या आप एक मैग्नेट से 1 किलोमीटर दूर पर आयरन रखोगे तो क्या तब भी वो उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना? आप बताओ क्या होना चाहिए. बताओ ना, एक मैग्नेट है, मान लो आपके घर में मैग्नेट है, तो क्या पड़ोसी के घर में रखी हुई सारी आयरन की चीजें आपके घर में अट्रैक्ट हो जाएंगी उस मैग्नेट की वजह से? नो सर, क्यों नहीं हो पाएंगी? मैग्नेट की तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट का तो काम होता है आयरन को अट्रैक्ट करना, तो पड़ोसी का आयरन क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते? क्या दिक्कत है पड़ोसी? वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, राइट? एक डिस्टेंस है ना अच्छा खासा, मतलब मैग्नेट की एक रेंज होती है, हर मैग्नेट की एक रेंज होती है, उसी रेंज को आप मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हो, राइट? अब किस मैग्नेट की कितनी रेंज होगी वो डिपेंड करता है मैग्नेट की पावर कितनी है, उसको हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का नाम देंगे. मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बेसिकली उसको हम लोग कहते हैं पोल स्ट्रेंथ. एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पर जिसको हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ. तो पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट की पावर को बताएगा, ठीक है? इट डिफाइंस, ये सब कुछ थियोरेटिकल टर्म्स हैं, इट डिफाइंस द मैग्नेटिक पावर ऑफ मैग्नेट. मतलब अगर हम ये कहें कि पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर ज्यादा है, उसकी रेंज काफी ज्यादा होगी. पोल स्ट्रेंथ कम है तो फिर हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक पावर कम है और उसकी रेंज काफी कम डिस्टेंस तक रहेगी, थोड़े से डिस्टेंस तक रहेगी, ठीक है? छोटा मैग्नेट जो बच्चों के खिलौनों में लगा होता है ना, उसकी रेंज काफी कम होती है, लेकिन बड़े बड़े मैग्नेट्स भी आते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन शेप एंड साइज ऑफ मैग्नेट इसका रेंज एक सर्टेन डिस्टेंस तक आपको मिलेगा. और उसके लिए कॉमर्शियल टर्म, हमारे लिए कॉमर्शियल टर्म का मतलब होता है कि जब हम मैग्नेट परचेज करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, और ये सब आपको बताया जाएगा मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ. अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये एक मेजर करने वाली क्वांटिटी है? क्या इसको मेजर किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड को, या फिर ये सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो आप? मतलब जैसे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट्स नीचे फॉल कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रेविटी की एक्सपीरियंस हो रही है आपको, ठीक है? तो क्या ग्रेविटी को मेजर भी कर सकते हो कि कितना है वो, या सिर्फ उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या उसका कुछ मैथमेटिकल तरीका है कि हाँ उसको मेजर भी कर सकते हो? तो मेरे ख्याल से एक ग्रेविटी के स्ट्रेंथ को मेजर करने का जो तरीका है, ग्रेविटी के स्ट्रेंथ को आप मेजर करते हो बाय स्मॉल जी, विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है तो हम कहते हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है तो ग्रेविटी का इफेक्ट कम है. ऐसे ही मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को भी मेजर किया जाता है, और इसको मेजर करने के लिए जिस पैरामीटर को हम यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या मैग्नेटिक फील्ड वीक है, इन सब को मेजर करने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म है. उस मैथमेटिकल टर्म को आप नाम दोगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैथमेटिकल टर्म है, इसको मेजर किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको कहीं कहीं पर इसका एक और नाम है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी इसका नाम है. दोनों का मतलब एक ही है, आइदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखो या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन लिखो. ये बेसिकली आपको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और ये अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि इसको हम कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स कि ये जितना ज्यादा होगा ना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या यूं कह लो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल है,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो ये एक मेजर की जाएगी, इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, फॉर्मूला भी होता है इसके लिए। तो मैं फॉर्मूले के डेरिवेशन तो हम क्लास टेंथ में नहीं करा सकते, ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको ना इसका वो बताऊंगा डायरेक्ट रिजल्ट, कि इसका रिजल्ट क्या होता है वो समझिएगा। ये कहा जाता है कि अगर एक मैग्नेट से, जो मैग्नेट का सेंटर पॉइंट है, अगर हम मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पे हैं, मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, और ये मैग्नेट छोटा मैग्नेट है, काफी स्मॉल मैग्नेट, ठीक है, इसका डेरिवेशन जो आएगा वो ट्वेल्थ के बाद आता है, ट्वेल्थ में भी नहीं है इनफैक्ट, एक्सपेरिमेंटल है ये। तो ये कहा जाता है कि इससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो चीजें देखी जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमें डायरेक्शंस की बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो एक मेजरेबल क्वांटिटी है उसका क्या डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन पार्ट में आपको बता रहा हूं, अब इसको ध्यान से सुनना, कि अगर हम नॉर्थ पोल के साइड पर है, अगर हम लोग नॉर्थ पोल के साइड पर है और किसी पॉइंट पर अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग हमेशा अवे फ्रॉम दिस नॉर्थ पोल दिखाते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। इसको कहा जाता है कि ये इस मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। लेकिन अगर आप साउथ पोल की साइड पर हो तो ये कहा जाएगा कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स साउथ पोल है, यहां पर कहा जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स साउथ पोल। इस तरीके से आपको डायरेक्शन दिखाई जाएगी। हाँ जी प्रवीण, वही बता रहा हूं, भी बता रहा हूं, एक एक करके बता रहा हूं, स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि बार मैग्नेट, मैं फिर बोल दूं, बार मैग्नेट एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है, नेचर में मिलता है हमें, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, और यहीं से लोगों को मैग्नेटिज्म के बारे में मालूम चला कि हमारे इस नेचर में मैग्नेटिक मैग्नेट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जब लोगों ने मैग्नेट्स के स्टडी करना स्टार्ट किया कि लाओ इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या है, तो स्टडी करते वक्त उनको ऐसा लगा कि नॉर्थ पोल की साइड पर मैग्नेटिक फील्ड अवे होगी और साउथ पोल के साइड पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स होगी। फिर इन्होंने इसकी स्ट्रेंथ को मेजर किया, एक्सपेरिमेंट्स करके इसकी स्ट्रेंथ को मेजर किया, और स्ट्रेंथ जब मेजर की तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप आर डिस्टेंस पे खड़े हो, आर डिस्टेंस पे हो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हम लोग कैपिटल बी रखेंगे, कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल बी। और रिसर्च करने के बाद और स्टडीज करने के बाद इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट किया गया, और वो मैथमेटिकल फॉर्मूला कहा गया 10^-7, विच इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, टाइम्स 2 times कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, विदाउट डेरिवेशन पढ़ोगे आप, मैं पहले बता दूं, डेरिवेशन यहाँ पर नहीं कराएंगे, बिकॉज ट्वेल्थ में भी नहीं कराते, इनफैक्ट कोई नहीं कराता यहाँ पर, इसका डेरिवेशन काफी हायर फिजिक्स में मिलता है, बहुत ही हायर फिजिक्स में। हाँ जी बताओ, कुछ डाउट है सर? ये जो आर है, ये डायरेक्शन, ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट है, सेंटर ऑफ मैग्नेट से, हाँ सेंटर ऑफ मैग्नेट से, ये सॉरी आर स्क्वायर है यार, आर क्यूब नहीं है, मिस्टेक हो गई है, आर स्क्वायर है। और मैं बता रहा हूँ सीजे क्या है, सिंबल्स का मतलब मैं बताऊंगा अभी आपको। तो स्मॉल आर मैग्नेट के सेंटर से और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर किया जा रहा है वो डिस्टेंस है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट टू द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं। 10^-7 एक्सपेरिमेंट्स में एक कॉन्स्टेंट वैल्यू निकल के आई है, और 2 × M/r². कैपिटल एम क्या है इसके अंदर? तो कैपिटल एम को हम लोग कहते हैं इस मैग्नेट के लिए, एक टर्म उसके लिए भी यूज करेंगे जो कैपिटल एम है, वो कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब आप इस वर्ड के मीनिंग में मत जाना, वरना फंस जाओगे आप, इसकी मीनिंग अभी आपके लेवल पर नहीं आ पाएगी, है ना, क्लास टेंथ के लेवल पर नहीं आएगी। तो अभी हम सिर्फ एक तरीके से याद करने वाला पॉइंट पर हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल का मतलब ये है बेसिकली दो पोल्स है यहाँ पर, डाई मतलब टू पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अभी आप ये मानो
कि ये क्वांटिटी मैग्नेट की स्ट्रेंथ बताती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा आप कहोगे मैग्नेट की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है, और जितना कम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू हम कहेंगे मैग्नेट की स्ट्रेंथ उतनी कम है। तो ये मैग्नेट्स के लिए प्री डिफाइंड होता है, पहले से स्पेसिफाइड होता है आपका, पहले से बता दिया जाएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस मैग्नेट का इतना है, मतलब ये कॉमर्शियल टर्म है तो प्री डिफाइंड होता है ये, नहीं आदर्श वो चीज़ नहीं है, रूट एन वाला कंसेप्ट नहीं है ये, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। इसमें मैं फिर बोलूंगा आपसे कि हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, हमारे लेवल से थोड़ा सा बाहर जा रहा है ये चीज़, ऑनेस्टली बताऊँ मैं आपको, तो ये हमारे लेवल से बाहर है, 10th क्लास के लेवल से काफ़ी बाहर है, तो हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते अभी। हाँ, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है बाय दिस फैक्टर विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी आप इतने से काम चला लो, चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे, ऐसा नहीं है, बट चैप्टर थोड़ा सा आगे आने दो, ठीक है। सो 2m, क्योंकि अब आप कहोगे ये 2 का फैक्टर कहाँ से आया, फिर ये स्क्वायर ही क्यों आ रहा है, तो ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो कि हायर फिजिक्स में नहीं है, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है जस्ट एक तरीके से मानो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें इन्होंने जब और रिसर्च किया, यूनिट बता रहे, प्रवीण बता रहे, सब बता रहे, एक मिनट, सब कुछ बता रहे भी, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ये मैग्नेट के स्ट्रेंथ बताई जाती है, इसके थ्रू आप मैग्नेट की स्ट्रेंथ बताओगे भाई, किसी भी चीज की स्ट्रेंथ बताने के लिए कुछ तो लगाओगे आप, आपके बॉडी की पावर कितनी है ना, आपकी बॉडी में कितनी पावर है, ये चीज कैसे बताई जाएगी लोगों को, लोगों को आप कैसे बताओगे कि आपके बॉडी में कितनी पावर है, और बॉडी तो छोड़ दो आप, एक कार के इंजन में कितनी पावर है ये कैसे बताओगे आप, क्या कोई तरीका नहीं है, मतलब कोई मैथमेटिकल वर्ड नहीं है, मैथमेटिकल टर्म या फिजिकल टर्म नहीं है जिससे हम ये पता लगा पाए कि अच्छा इस इंजन में इतनी पावर है, इस इंजन में इतनी पावर है ना, रेफ्रिजरेटर की इतनी पावर है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो यूज करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो यूज करते हो, हॉर्स पावर यूज करते हो, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि एक मैग्नेट की पावर को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी की यूनिट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, मतलब इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या बनेगी, तो इसका यूनिट मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका यूनिट होता है एक्चुअल में एम्पियर, जो करंट का यूनिट है, इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, एक और पॉइंट मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है, और अगर डिटेल चाहते हो ना तो आप 12th क्लास की एनसीईआरटी देख सकते हो, आपके 10th में तो नहीं मिलेगा, 10th की बुक्स में नहीं मिलेगा ये, पहले बता दूं, 12th की एनसीईआरटी में ये मिल सकता है। अच्छा, एक और चीज होती है कि अगर हम मैग्नेट से आर डिस्टेंस उसके परपेंडिकुलर साइड पे जाए, एक्चुअली मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आप मैग्नेट के कौन से साइड पर हो, तो अगर हम आर डिस्टेंस पर मैग्नेट के परपेंडिकुलर साइड पर जाएं, मैग्नेट के परपेंडिकुलर साइड पर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाएगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, ये देखो आप, अगर आपसे कोई कहे कि यहां पर क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर डायरेक्शन मैग्नेट के पैरेलल दिखाओगे, मैग्नेट के पैरेलल, लेकिन नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी ये एरो दिखाएंगे, चेक करना यार, ये डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ, युवा बता रहे हैं, ये पहले इतना बता दें आपको, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है 10^-7 इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, अगेन विदाउट प्रूफ है, तो थोड़ा सा हो सकता है तुम लोगों को दिक्कत हो, अभी डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगी, है ना, मैं एग्री कर रहा हूँ उस पर कि अभी दिक्कत आएगी समझने में, तो अभी आपके लिए इस पर कोई न्यूमेरिकल आने वाला भी नहीं है, परेशान ना हो, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा तुम लोग के लिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है
कि एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, मतलब उसकी इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होती है, तो उसका आंसर है उसके पोल के आप जितना नजदीक आओगे, मतलब पोल के जितना पास आओगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी और आगे चल करके वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर, मैग्नेट की, हाँ प्रवीण बिल्कुल सही बोल रहे हो, शाबाश। ये सिर्फ तुम लोग के नॉलेज के लिए है, ये आप अभी ये मानो कि एक्स्ट्रा कवर चल रहा है, एक्स्ट्रा कवर, अभी मैच स्टार्ट नहीं किया हमने, है ना, एक्स्ट्रा कवर खेल रहे अभी। तो ये आपको मैं बस आपके नॉलेज के लिए समझाता हूँ क्या होता है। इसलिए जो मैग्नेट होता है इसकी ये लाइन को हम कहते हैं ये उसका एक्सिस है, मैग्नेट का एक्सिस। एक्सिस ऑफ मैग्नेट। मैं तुमको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि अगर हम इस मैग्नेट से सेंटर से आर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में जाएं, आर डिस्टेंस दूसरी डायरेक्शन में जाएं और आर डिस्टेंस किसी और डायरेक्शन में जाएं, तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, आपको समझाने का पर्पज मेरा यहाँ पर ये है कि अगर आप उससे आर डिस्टेंस अलग अलग डायरेक्शंस में जाओ, अलग अलग डायरेक्शंस में, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तुमको मिलेगी जब आप उसकी एक्सिस पर जाओगे। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वन से डिनोट करें, परपेंडिकुलर साइड पर आर डिस्टेंस जाने पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बी टू से डिनोट करें और किसी और डायरेक्शन में जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी थ्री से डिनोट करें, नोटिस करो डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है ये, फिर भी अलग अलग डायरेक्शंस में इसके मैग्नेटिक फील्ड की पावर अलग अलग होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। ये मैग्नेट का एक यूनिक नेचर है कि वो सब सब डायरेक्शंस में एक जैसा बिहेवियर नहीं देता, किसी डायरेक्शन में उसका बिहेवियर स्ट्रांग होता है और किसी और डायरेक्शन में उसका बिहेवियर थोड़ा सा वीक मिलता है आपको। और इनमें अगर हम ऑर्डर कंपेयर करना चाहेंगे तो सबसे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बी वन होगा, उसके बाद बी टू होगा, बी वन, उसके बाद सॉरी बी थ्री एंड देन बी टू। यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हो कि उसकी एक्सिस वाली साइड से जैसे जैसे आप उसके परपेंडिकुलर साइड की तरफ चलोगे, एक्सिस से परपेंडिकुलर साइड की तरफ जब जाओगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब अगर हम एक आयरन पार्टिकल को यहाँ पर प्लेस करें और एक आयरन पार्टिकल को हम इस बी टू वाले पॉइंट पर प्लेस करें, आइडेंटिकल आयरन, दो आयरन के टुकड़े लाओ, आयरन पीसेस लाओ, उस आयरन पीस को बी वन पर रखो और एक आयरन पीस को बी टू वाले पॉइंट पर रखो, तो अगर कोई पूछे कि कहाँ पर आयरन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उस पर फोर्स कहाँ ज्यादा लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स किस केस में ज्यादा लगेगी, जब आयरन को बी वन वाले पॉइंट पर रखेंगे तब, या जब आयरन को बी टू वाले पॉइंट पर रखेंगे तब, क्योंकि यहाँ पर भी वो आर डिस्टेंस पर है और यहाँ पर भी वो आर डिस्टेंस पर है। तो मेरा आंसर होगा या आपका भी आंसर ये होगा कि बी वन वाली प्लेस पर जब हम आयरन रखेंगे तो ये मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और बी टू वाले पॉइंट पर जब आयरन को रखेंगे तो यही मैग्नेट थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करेगा। यानी एक मैग्नेट आयरन को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आयरन उस मैग्नेट से कितनी दूर है, प्लस किस तरफ है, मतलब मैग्नेट के कौन से साइड पर है, वो साइड ऑफ मैग्नेट के अकॉर्डिंग भी मैग्नेट की अट्रैक्शन जो होती है वो चेंज करती है। तो मेरा कुल मिलाकर के तुमको समझाने का पॉइंट यहाँ पर ये है, मतलब कंक्लूजन पॉइंट सिर्फ आपके लिए ये है, क्लास टेंथ के लेवल पर कंक्लूजन पॉइंट, कि मैग्नेट की अट्रैक्टिव पावर अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होती है, और उसी अट्रैक्टिव पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी प्रवीण बिल्कुल, थीटा जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एलिमेंट्री नॉलेज है तुम्हारे लिए, एलिमेंट्री फैक्ट आपके लिए है कि हाँ मैग्नेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक बार मैग्नेट के कैरेक्टर पता होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि सबसे पहले तो बार मैग्नेट ही आया था नेचर में, उसके बाद जाकर के और कोई मैग्नेट्स आए, तो बार मैग्नेट्स को स्टडी करने के बाद ये सब चीजें समझ में आने लगी कि अच्छा डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है,
अच्छा यहीं पर ना एक और बात समझो, अगर मैं आर डिस्टेंस की बजाय किसी और डिस्टेंस पे जाऊं, ठीक है, अगर मैं आर डिस्टेंस की बजाय मान लो मैं ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाऊं इस मैग्नेट से और ज्यादा डिस्टेंस पे आ जाऊं, है ना, मतलब मान लो 2R डिस्टेंस पे आ जाऊं, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B1 से ज्यादा हो जाएगा या B1 से कम हो जाएगा? यहां पर जो भी इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी 2R पे या उससे कम मिलेगी? नहीं युवा जी, देखो ध्यान से सुनो बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है या कितना वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो स्मॉल आर स्क्वायर नीचे है यहाँ पर, फॉर्मूला चेक करो। हाँ जी प्रवीण, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा आर जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लेस होगी, और इनफैक्ट कितनी लेस हो जाएगी, कितने टाइम्स लेस हो जाएगी, तो इस फॉर्मूले को देखो, आर स्क्वायर है यहाँ पर, आर स्क्वायर, तो अगर हम डबल डिस्टेंस करेंगे, अगर हम डबल डिस्टेंस करेंगे यानी डिनोमिनेटर में जो आर है वहां पर डबल कर दो, तो स्क्वायर होने की वजह से, स्क्वायर होने की वजह से 4 हो जाएगा, 4, यानी कि अगर यहाँ पर इंटेंसिटी B1 है और यहाँ पर हम इंटेंसिटी को B4 कहें, तो हम एक चीज कह सकते हैं कि जो B4 होगा यानी कि मैग्नेट की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर, वो आर डिस्टेंस वाले इंटेंसिटी का बाय 4 टाइम्स मिलेगा आपको, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो रहा है और फॉर्मूले में आर स्क्वायर मिलता है, तो जितनी भी इंटेंसिटी यहाँ पर है उसकी 1/4 इंटेंसिटी आपको इस पॉइंट पर मिलेगी। समझ आ रहा है पॉइंट आपको ये? यस सर। देखो अगर हम इससे, हम देखिए अगर मैं इससे 3R डिस्टेंस पे जाऊं, सेम चीज हो गई, आप इससे 3R डिस्टेंस पे आ जाओ और कह दो कि मैग्नेटिक फील्ड B5 है, तो फिर B5 जो होगा यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट एट दिस पॉइंट, वो B1 डिवाइडेड बाय 9 है। अब समझ गए आप लोग, अब आप आंसर दे रहे हो, इसका मतलब अब ये पॉइंट आपके समझ में आ गया है कि एक मैग्नेट की इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ साथ अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होती है। मैग्नेट की इंटेंसिटी ऐसा नहीं होता कि हर तरफ एक जैसी होती है, क्योंकि ये स्फेरिकल नहीं है ना। देखिए हमारी अर्थ स्फेरिकल है, तो ग्रेविटी हर तरफ एक जैसी होती है, क्योंकि उसको क्रिएट करने वाला अर्थ लगभग स्फीयर के फॉर्म में, और स्फीयर एक राउंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन बार मैग्नेट राउंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री की वजह से, इसके ज्योमेट्री की वजह से अलग अलग डायरेक्शंस में इसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। ये आपका पहला पॉइंट हुआ आज के लेक्चर का जो आपको मुझे समझाना था। अच्छा अब ये तो हुए बार मैग्नेट जो नेचर में थे, क्योंकि बार मैग्नेट्स को स्टडी करने के बाद ही फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट लोगों के दिमाग खराब हो गए, और जब उनके दिमाग खराब हो जाते हैं तो आप सबको पता है कि क्या होने लगता है ना। फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट लोगों को जब भी कोई नई चीज मिल जाती है तो उनके लिए तो ये खिलौना हो जाता है, टॉय हो जाता है कि अच्छा आज मैग्नेट मिला है मुझे। हाँ जी लविस, वो समझा रहे हैं। तो फिजिसिस्ट लोगों ने क्या किया, इसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया कि चलो आप खेलते हैं, मैग्नेट मैग्नेट का गेम खेलेंगे आज। तो जब खेलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, अच्छा एक चीज और बताना रह गया मुझे, एक चीज और, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, यानी कैपिटल बी जिसको हम कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको, इसकी भी एक यूनिट होती है मेजर करने की, इसकी अपनी एक यूनिट है, तो इसकी यूनिट होती है, मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं अगर हम, तो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने का यूनिट उस महान आदमी के नाम पर है जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, टेस्ला के नाम पर बोलते हो आप, टेस्ला, और या फिर एक और यूनिट होता है इसका, हाँ जी रवि, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी एक यूनिट है, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दो यूनिट्स हैं। एक और यूनिट है, हाँ एक और यूनिट है इसका, वो बता दें, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हो जी, गॉस, एक और यूनिट गॉस है, लेकिन गॉस छोटी यूनिट है, टेस्ला बड़ी यूनिट है, ये छोटे हैं, और इनका एक रिलेशन चलता है, 1 गॉस = 10^-4 टेस्ला, ये इनका कन्वर्जन फैक्टर है, यूनिट है ना।
भैया निकोला टेस्ला जो था, ठीक है अंडररेटेड तो था, लेकिन उसने जो दुनिया में करके चला गया ना, वो टेस्ला के बारे में आप सबको पता होगा। पिछले साल फतेह सर ने आपको कितनी स्टोरी सुनाई थी टेस्ला की, सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? एक वीडियो वीडियो सर ने बताया था कि नहीं टेस्ला के बारे में, और कि इसने क्या, हाँ कि इस आदमी ने क्या किया था, इस आदमी ने मतलब क्या कहे अब इस आदमी को, छोड़ो ठीक है सबका फायदा तो किया, लेकिन हम लोगों के लिए एक ऐसा चैप्टर दे के चले गए जो अब सरदर्द बन गया हमारे लिए, पढ़ना पड़ रहा उसको भी, क्या करेंगे साइंटिस्ट लोग होते ही ऐसे। हाँ जी प्रवीण, तो अरे टेस्ला के नाम पर बड़ी कंपनीज भी हैं यार, आपको पता होना चाहिए टेस्ला के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक की बहुत बड़ी। यस सर, आइडिया है आपके बारे में कि बहुत पावरफुल ब्रांड माना जाता है? यस सर। हाँ हाँ जी एलन मस्क की। हाँ चलिए, तो ये तो हो गया बार मैग्नेट का, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो मेरा चैप्टर है ना वो क्या है, मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हमारा चैप्टर ये है। तो ये क्या होता है कि जैसे जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो इसके आसपास, मतलब एक वायर में अगर आप करंट फ्लो कराते हो तो उनके आसपास उसके सराउंडिंग स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उनके सराउंडिंग स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। कई बार हम लोगों ने ये सुना होगा कि बहुत हाई पावर की लाइन कहीं से जा रही थी, इलेक्ट्रिसिटी उसमें बहुत ज़्यादा थी, और आसपास कोई आदमी गया और वो तार से चिपक गया, ठीक है। तो ये जो चिपकने वाला गेम है ना, तार से चिपकने वाला, बेसिकली दूर से ही बिना छुबे, है ना, ये कई बार आपने सुना होगा, एक बैड इंसिडेंट होता है, कुछ लोग हाई टेंशन वायर बोलते हैं, एचटी लाइन बोलते हैं उसको, एचटी लाइन, कि बहुत ज़्यादा करंट तार में थी और उसके आसपास कोई आदमी गया और दूर से ही उस तार ने उस आदमी को खींच लिया, दैट मीन्स अट्रैक्ट कर लिया। तो ये बेसिकली उस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो इसके बारे में भी लोगों ने स्टडी किया। तो अब आपका ऑफिशियली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके देखो, इसमें दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ज्यादा काम किया है, दो साइंटिस्टों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। उसमें एक साइंटिस्ट थे और उसके बेसिस पर एक नाम दिया गया इसको, बायट सेवर्ट लॉ, बायट सेवर्ट लॉ एक उन्होंने था। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काफी ज्यादा वर्क रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद उन्होंने भी अपना एक लॉ जनरेट कर दिया, और उनका लॉ कहलाता है एम्पियर्स लॉ। तो ये दो लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम, ये दो लोग हैं जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस किया था। तो अब हम आपको बताते हैं क्या कहा इन्होंने। सबसे पहले बायट सेवर्ट लॉ, ये तुम्हारे टेंथ के बुक्स में मेरे पता नहीं है कि नहीं है, बट मेरे ख्याल से इस तरीके से तो नहीं होगा, और सुनना आप ध्यान से। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई वायर है, जिंदा वायर, ठीक है, तो हमने कोई एक वायर मान लो ऐसे दिखाया आपको, जिंदा वायर किसको बोलते हैं पता है आपको? जिंदा वायर वो बोलते हैं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो। तो अगर हम कोई वायर माने और उसके अंदर मान लो कुछ करंट है और उस करंट की वैल्यू कैपिटल आई है, करंट की वैल्यू कैपिटल आई उसमें से फ्लो कर रहा है, और उसके आसपास कोई पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट हम यहां पर कंसिडर करें नियर द वायर, तो इनका ये कहना था कि यार इस पॉइंट पर ना आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है यहाँ पर, मतलब किसी भी वायर के नियर अबाउट अगर आप एक आयरन को रखोगे तो वो आयरन भी इस वायर से अट्रैक्ट होता है, यानी बिल्कुल वैसा ही काम होता है जैसा मैग्नेट्स के साथ होता है। तो अगर बिल्कुल वही रिस्पॉन्स आ रहा है, मैग्नेट वाला काम यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर आयरन इस वायर से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये वायर एग्जैक्टली मैग्नेट की तरीके से काम कर रहा है, और उसी को कह दिया जा रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उस पर जब उनका एक्सपेरिमेंट हुआ और कंक्लूजन आया, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला दिया हमें। उन्होंने कहा कि इस वायर में, ये जो वायर आपने देखा है, आप एक काम करो, अगर इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल पीस कंसिडर करें इसका, एक छोटा सा टुकड़ा यानी स्मॉल पीस, और उस स्मॉल पीस को हम लोग मैथ में एक सिंबल से डिनोट करते हैं, मान लो डेल्टा एल कर देते हैं, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा सा पीस है ये वायर का, एक बहुत छोटा सा पोर्शन।
तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये छोटा सा पोर्शन वायर का और ये पॉइंट इनके बीच में सेपरेशन आर का है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस हमारी आर है मान लो, ठीक है, तो बायट-सेवर्ट लॉ ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करके ये बताया कि यहां पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ध्यान से सुनना यार, ये आपके लिए डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस स्मॉल पोर्शन, बाय द डेल्टा एल पोर्शन, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस स्मॉल पोर्शन, इस पर उन्होंने काफी रिसर्च की, इसके ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम जैसे लोगों को उन्होंने ये बताया, पहला चीज कि डिपेंड करता है किस किस चीजों पे, तो डिपेंड्स ऑन वन अपॉन आर स्क्वायर, एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया, दूसरा उन्होंने कहा कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डीएल, तीसरा उन्होंने कहा कि ये एक और चीज पे डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ये जो डीएल पोर्शन हमने लिया है इसके, और ये जो सेपरेशन है यहां पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये एंगल कौन सा एंगल, जो हमारा करंट है वो तो ऊपर की तरफ चल रहा है, मैं रिपीट करूंगा, प्रसार मत हो आप लोग, मैं करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा वो डायरेक्शन देखो, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा वो डायरेक्शन, और हमारा पॉइंट जिस डायरेक्शन में है वो देखा जाए, दो डायरेक्शन देखनी है, एक वो डायरेक्शन जिधर करंट जा रहा है, दूसरा वो डायरेक्शन जहां पर आपको आपका पॉइंट मिल रहा है, मतलब जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक इफेक्ट चेक करना चाहते हो, जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट देखना चाहते हो, उस पॉइंट की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, अगर इनके बीच थीटा एंगल है, तो इन्होंने कहा कि ये साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन साइन थीटा ऑल्सो। मैं फिर क्लियर कर दूं कि तुम्हारे टेंथ में इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले, लेकिन स्टार्ट करने के लिए ये सब जरूरी है, तब जाकर के चैप्टर थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ में आएगा। कुल मिलाकर के बायट-सेवर्ट लॉ ने ये कहा, तो इन सब को उन्होंने मिला करके कंक्लूड कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, युवा बिल्कुल, डीएल, डेल्टा एल का मतलब डीएल कह सकते हो, कुल मिलाकर के मतलब इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी, ये हमको ये बताना चाह रहे थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट किसी भी वायर का तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, तीन चीजों पे, वो तीन चीजें कौन सी हैं, थ्री फैक्टर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, व्हाट आर दोस थ्री फैक्टर्स, नंबर वन द डिस्टेंस फ्रॉम दैट वायर, नंबर टू, सॉरी एक पॉइंट और है यहां पर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन करंट, डिपेंड्स ऑन करंट, वो बातों बातों में रह गया, सो इट डिपेंड्स ऑन फोर फैक्टर्स, नंबर वन हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, नंबर टू व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट वायर, नंबर थ्री व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट and the direction of point, and number four, how much is the length of that portion, length, current, separation, angle, length, current, separation, angle, इन चारों के according decide होता है कि इस वायर का यहां पर magnetic effect strong होगा या magnetic effect weak होगा। simple way में अगर आपसे बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि छोटा वायर होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, बड़ा वायर होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ऐसे कह सकते हो, क्योंकि वो डेल्टा एल पे डिपेंड कर रहा है लेंथ, ये डीएल मतलब डेल्टा एल, हाँ आदर्श, वहीं से आदर्श परेशान, बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये आपको एक तरीके से नोट करने के लिए है, ये डीएल मतलब डेल्टा एल, एक्चुअली मैथ में ना एक टॉपिक है कैलकुलस, आप 11th 12th में पढ़ोगे, कैलकुलस में एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग डीएल का, अगर तुम लोगों ने कहीं पढ़ रखा होगा तो आइडिया होगा, अदरवाइज कैलकुलस का एक सिंबल है डीएल,
जो बेसिकली डेल्टा एल का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। डेल्टा एल बहुत जब छोटा होता है ना, हाँ जी युवा बहुत अच्छा, डेल्टा एल जब बहुत छोटा हो जाता है तो उसको मैथमेटिक्स में एक नया सिंबल दे दिया गया है, डीएल, कैलकुलस का पोर्शन है। तो देखो आप, हमारे लिए इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से ये बात समझनी है, क्योंकि हमको थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि बायर्ड सेवर्ट लॉग ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमको तीन चार चीजें बता दी कि अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, अगर हम वायर से ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो ये 1/r² है, अगर मतलब अगर आप एक वायर से ज्यादा डिस्टेंस पे जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी आपको, मतलब इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट आसपास के पॉइंट्स पर ज्यादा होगा और दूर वाले पॉइंट्स पर कम होगा। तीसरा, कितना बड़ा वायर है ये भी इंपॉर्टेंट है, वायर की लेंथ क्या है, और चौथा ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, बिकॉज डिटेल तो आप क्लास 12th में देखोगे, अभी नहीं देखना है, क्लास 12th में ये टॉपिक फिर से पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है, अभी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। और अब मैं इसके बेसिस पर आपको डायरेक्ट रिजल्ट देने जा रहा हूं, डायरेक्ट रिजल्ट मैं यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट दूंगा। तो अगर हम एक स्ट्रेट वायर कंसिडर करें, देखो अगर हम ये माने कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, सबसे पहले अब यहां से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होने जा रहा है, सबसे पहले मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, सीधा, बिल्कुल सीधा तार, स्ट्रेट वायर, और उस स्ट्रेट वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो आई है एम्पियर्स में, करंट की वैल्यू आई है उस स्ट्रेट वायर से, और हम उस स्ट्रेट वायर से डी डिस्टेंस पे जा करके कोई पॉइंट सर्च कर रहे हैं, और उस पॉइंट को वायर के टॉप एंड से मिलाया, वायर के टॉप एंड से उसको कनेक्ट किया, और उसको वायर के बॉटम एंड से कनेक्ट किया, एक साइड हमारा ये एंगल थीटा वन है और दूसरे साइड हमारा ये एंगल थीटा टू है। तो मैथमेटिक्स और कैलकुलस के बाद, क्योंकि कैलकुलस नहीं पढ़ी है इसलिए डेरिवेशन नहीं होगा इसका, ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ रिजल्ट आपको बताऊंगा कि एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी कैपिटल बी, विच इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज डिराइव्ड एंड गिवन एज 10^-7 इंटू करेंट आई अपॉन द डिस्टेंस डी एंड देन साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, वो भी तब जब आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप स्कूल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसको भी छोड़ सकते हो, उसमें नहीं आएगा आपका ये, मतलब 10th स्कूल लेवल पर नहीं आएगा, पहले बता दें आपको। हाँ, अगर आप और NTSC में भी चांसेस कम है, ये तभी आएगा जब आप IJSO वगैरह अगर देना है, एलिजिबल हो, अगर तुम्हारी एज है वैसी, क्योंकि 10th क्लास में एज का भी एक प्रॉब्लम आता है, IJSO में एज लिमिट हो जाती है, तो अगर वो एज लिमिट तुम लोग की नहीं है और एलिजिबल हो तुम एग्जाम लिखने के लिए, ठीक है, तो आप वहां पर, हाँ प्रवीण नहीं रही, वो होगा आप में से कई लोगों की एज मेरे ख्याल से एक्सीड कर गई होगी एज लिमिट, कोई है तुम में से जिसका IJSO के लिए एज लिमिट बचा है अभी? मेरे ख्याल से नहीं है ना आदर्श। अच्छा, आप एलिजिबल हो, ओके, तुम्हारा नकली बर्थ सर्टिफिकेट होगा फिर अनुष्का, ओके आदर्श, तो साले जो लोग एलिजिबल है इसका मतलब तुम लोगों ने नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है एज कम करके, है ना, एज कम करके तुम लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया होगा तभी तुम लोग एलिजिबल हो। सर नेक्स्ट ईयर होगी, बंसल जी बताते हैं बिल्कुल, हाँ नेक्स्ट ईयर नहीं, एक्चुअली देखो अब प्रॉब्लम है उसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट हमारी पता नहीं क्या करती है। हाँ जी बड़े लोग, कोई बात नहीं, जाने दो, जो लोग हैं उनको बता देते हैं, स्कूल लेवल के लिए स्किप कर सकते टॉपिक, अगर तुम्हारा एम खाली बोर्ड एग्जाम है ना तो आप इसको छोड़ देना, जरूरत नहीं पढ़ने की, बट हम लोग का काम फाउंडेशन का है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बाय दिस स्ट्रेट वायर
कहने का मतलब ये है ना कि ये स्ट्रेट वायर एक मैग्नेट की तरीके से काम कर रहा है, तभी इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये स्ट्रेट वायर एक मैग्नेट की तरीके से काम करेगा और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रही है उसकी मैथमेटिकल वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी, 10^-7 करंट आई बाय द डिस्टेंस डी sin θ1 + sin θ2। तो बिना प्रूफ के है, प्रूफ क्लास 12th में आएगा, अभी नहीं हो पाएगा इसका प्रूफ, है ना, जस्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। और हाँ जी, अदर्स डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बिल्कुल ये जो डी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से परपेंडिकुलर। अभी एग्जांपल करके दिखा रहे हैं बच्चा, अभी एग्जांपल दिखा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये पढ़ना है, अर्नव कर देंगे, दूसरा पॉइंट ये है, देखो तुम लोग को लाइट चैप्टर का भी मैं एक सप्लीमेंट्री असाइनमेंट एक दो दिन में मिल जाएगा, मैं और क्वेश्चन भिजवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए और मैं अपलोड भी कर दूंगा नेट, उसके पर्सन टेंशन ना लो। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन भी होता है, जैसे ग्रेविटी का डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी अपना एक डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन किधर होगा, आदर्श बच्चा एक मिनट रुको, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर किस तरफ होगी, ये एक क्वेश्चन है हमारे लिए। कि ठीक है, इससे हमको ये तो मालूम चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी है, ये मालूम चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की ये इंटेंसिटी है, लेकिन ये कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है। तो अब सुनना जो मैं लॉ देने जा रहा हूं, सुनना, आपको राइट हैंड, अपना राइट हैंड रेडी रखो, आप राइट हैंड को तैयार रखो, इसके लिए राइट हैंड रूल है और कुछ फ्लेमिंग रूल भी है, बट मैं फ्लेमिंग रूल डिस्कस नहीं करूंगा, मैं अपना एक तरीका बता रहा हूँ, राइट हैंड रूल की बात कर रहा हूँ। आपको अपना राइट हैंड पहले तो स्ट्रेच करके ऐसे रखना है, अपना राइट हैंड ऐसे रखो कि थंब, अपना राइट हैंड इस तरीके से करना कि थंब और ये जो बाकी फिंगर्स हैं इनके बीच में यहाँ पर 90° एंगल बने, यहाँ पर 90° एंगल, मतलब ऐसे नहीं रखना है, हाँ ऐसे नहीं रखना है बिल्कुल कि पांचों उंगलियां बिल्कुल एक जैसी कर दे, नहीं, ऐसे करो, स्ट्रेच करो। इसके बाद क्या करना है, थंब को आप वायर के साथ रखो, थंब जो है राइट हैंड का थंब उसको वायर के ऊपर रखो, राइट हैंड थंब आपका वायर के ऊपर, मैं पेज को थोड़ा सा टर्न कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो मैं राइट हैंड थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और बाकी की फिंगर इस पॉइंट की तरफ, बाकी की फिंगर इस पॉइंट की तरफ। तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड थंब यहाँ पर और फिंगर्स इस पॉइंट की तरफ, और ये ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेच होना चाहिए, 90° आना चाहिए यहाँ पर। तो थंब इस तरफ और फिंगर्स इस तरफ, ऐसे। तो अब आपका राइट हैंड इस तरीके से है, तो ऐसे में जो आपका राइट हैंड का पाम है, आपका राइट हैंड पाम वो नीचे की तरफ है, राइट हैंड पाम नीचे की तरफ है। देखो अपना राइट हैंड रखने के दो ही तरीके हैं, या तो आप अपना राइट हैंड ऐसे रखोगे या अपना राइट हैंड ऐसे रखोगे। तो अगर राइट हैंड को इस तरीके से रखोगे तो आपका राइट हैंड पाम ऊपर की तरफ है अप, और अगर ऐसे रख रहे हो तो आपका राइट हैंड पाम नीचे जा रहा है। तो जिस तरफ राइट हैंड पाम जाएगा ना वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। फिर से बोल रहा हूं सुनो, आपका राइट हैंड थंब होना चाहिए करंट की तरफ, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस तरफ करंट है उस तरफ आपको अपना राइट हैंड थंब रखना है, और उस जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जा रहा है उस तरफ अपनी फिंगर्स रखनी है, इस तरफ फिंगर्स होनी चाहिए। और अब आपको ये देखना है कि आपका राइट हैंड पाम नीचे की साइड है या फिर ऊपर की साइड है, ये ऊपर की साइड है और ये नीचे वाली साइड हो गई। तो जिस तरफ आपका राइट हैंड पाम होगा वो डायरेक्शन बोली जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो एक बार आप लोग अपनी कॉपीज पर करना यार, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन वाले में प्रॉब्लम तो है ही है। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि थंब को रखेंगे इसकी तरफ और फिंगर इस पॉइंट की तरफ, तो ऐसा रखते वक्त मेरा राइट हैंड का पाम नीचे आ गया, डाउन साइड पर है, ऐसे इस तरफ है, इस तरफ है नीचे की साइड। तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड है, नीचे की साइड। नीचे की साइड का मतलब क्या हुआ,
नीचे की साइड का मतलब ये भी समझो, नीचे की साइड का मतलब, नीचे की साइड का मतलब बताता हूं तुम्हें क्या है। इस व्हाइट पेज के नीचे की साइड का मतलब इस व्हाइट पेज के डाउनवर्ड, मतलब ऐसे मैं ये फिंगर रख रहा हूं यहां पर, नीचे की साइड मतलब इस पेपर के अंदर की तरफ, यानी कि अगर ये पेपर आपके स्टडी टेबल पर है, अगर ये पेपर आपका स्टडी टेबल के ऊपर रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर फ्लोर की तरफ जाएगी, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स फ्लोर है, टुवर्ड्स फ्लोर नहीं युवा, क्लॉकवाइज नहीं, ध्यान सुनो गड़बड़ हो जाएगी, खतरनाक पॉइंट है ये खतरनाक पॉइंट है। आप पूरा पूरा टाइम लो इसमें सॉल्व, इसको पूरा टाइम दो और अच्छी तरीके से समझो। देखिए आपका जो नोटबुक है वो नोटबुक स्टडी टेबल पर ही तो होगा ना, या जहां भी आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, किसी ने किसी टेबल पर रखा होगा, आपने बेड पे रखा होगा, जहां भी रखा होगा। तो नीचे की तरफ का मतलब हुआ कि इस पेपर, ये जो पेपर आप देख रहे हो, इस पेपर के परपेंडिकुलर, इस पेपर के परपेंडिकुलर। अब इस पेपर का परपेंडिकुलर दो साइड हो सकता है, इस व्हाइट पेपर के दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एक परपेंडिकुलर जो व्हाइट पेपर से नीचे की तरफ जाए और एक परपेंडिकुलर जो इस व्हाइट पेपर से ऊपर की तरफ आए। तो हम कौन से परपेंडिकुलर की बात करें, जो इस व्हाइट पेपर से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर आएगा उसकी बात करें, या इस व्हाइट पेपर से नीचे की तरफ भी तो जा सकते हैं ना। अगर मुझे इस व्हाइट पेपर के परपेंडिकुलर जाना है तो या तो आप इससे ऊपर की तरफ आओगे या इसमें नीचे की तरफ जाओगे। तो ये कैसे पता चलेगा कौन से साइड पर है, उसके लिए ये वाला रूल लगाओ। अब जब हमने ये रूल लगाया तो मेरा राइट हैंड पाम नीचे है, तो हम लोग ये कहेंगे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड इनसाइड है, पेपर से नीचे की तरफ जा रहा है। और उसको लिखा जाता है, उसको लिखने का तरीका होता है इनटू द पेज। अब इनटू द पेज क्या होता है, अब आप जाते से जानते हो, इनटू वर्ड कब लगाते हो, इनटू द पेज का मतलब क्या हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की साइड, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो बता दें आपको। उसको रिप्रेजेंट करते हैं अक्रॉस इनसाइड सर्किल, क्रॉस इनसाइड सर्किल, क्रॉस इनसाइड सर्किल का मतलब होता है नीचे की तरफ, अक्रॉस इन सर्किल के अंदर क्रॉस लगाओगे तो वो नीचे की तरफ। इसको देख लो, मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर हो सकता है, मैं रियलाइज कर सकता हूं कि भाई यहां पर दिक्कत हो सकती है, डायरेक्शन को लेकर के दिक्कत हो सकती है। तो मैं इसको ना एक और तरीके से समझाता हूं, एक और एग्जांपल लेकर के मैं इसको समझाता हूं। सबसे मेन पार्ट है डायरेक्शन का, डायरेक्शन वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें डायरेक्शन समझाता हूं, बताना मुझे क्या होगा। और डायरेक्शन समझाने के लिए ना मैं थोड़ा सा फिगर भी वैसा बनाऊंगा, पंसल एक मिनट को बता रहा हूं बच्चा। देखो मैं तुमको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अब ऑनलाइन जितना कुछ कर सकते थे वो ट्राई कर रहे हैं। देखिए सुनो, इसको हम एक टेबल जैसा बनाते हैं ना, टेबल। तो ये हमारा एक तरीके से टेबल का टॉप है, ऐसे आप समझ सकते हो, और ये उस टेबल की लेग है, चार लेग होंगी तो टेबल की लेग्स। अब हम क्या कह रहे हैं, मान लो हमारा वायर टेबल के ऊपर है, हमने एक वायर लिया और उसको टेबल पर रख दिया इस तरीके से, और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब आप इमेजिन करना, और ये इमेजिन तब होगा बच्चा जब आप अपने घर की टेबल को यूज करोगे। अब हम एक पॉइंट वायर के राइट साइड पर लेते हैं वन, और एक पॉइंट हम वायर के लेफ्ट साइड पर लेते हैं टू। तो पॉइंट नंबर वन पर क्या डायरेक्शन होगा, देखो अगर कोई पूछे कि पॉइंट नंबर वन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, तो क्या करेंगे, पॉइंट वन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पेपर को घुमा लेते हैं, आप भी घुमा सकते हो अपनी तरफ, जिधर करंट जा रहा उधर अपना अंगूठा रखो, थंब रखो, और पॉइंट वन राइट साइड पर है तो अपने फिंगर को हम पॉइंट वन की तरफ रखेंगे ऐसे, तो हमारा राइट हैंड पाम नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ होने का मतलब हम क्या कहेंगे, नीचे की तरफ होने का मतलब हम ये कहेंगे कि पॉइंट वन पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, नीचे, मतलब इस टेबल को क्रॉस कर जाओ,
और इस टेबल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आओ ऐसे, तो ये डायरेक्शन है बी का, मतलब उसकी जो लेग है ना, टेबल का जो लेग है उस लेग के पैरेलल, ये डायरेक्शन है बी का, समझ लेना यार, इसको थोड़ा सा दिक्कत करेगा ये। हाँ जी अदर्स, राइट हैंड यार, ये इसमें इसमें एक कंपल्सन है कि आपको राइट हैंड ही यूज करना है, ये एक प्रॉब्लम है, आपको राइट हैंड ही यूज करना है। पॉइंट टू पे जाएंगे तो पॉइंट टू के लिए देखो, आपका थंब इस तरफ आना चाहिए, थंब इस तरफ और फिंगर्स लेफ्ट साइड पर। तो अपने जरा टेबल की, अपने टेबल पर अपना राइट हैंड रखो, है ना, अपने टेबल पर राइट हैंड को रखो, थंब इस तरफ रखना और फिंगर इस लाइन की लेफ्ट साइड पर रखो। तो अगर हमारा थंब इस तरफ होगा और फिंगर उसकी लेफ्ट साइड है, तो हमारा हमारा राइट हैंड पाम ऊपर है ना, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड, तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी पॉइंट टू पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है, ऐसे दिखाएंगे। डायरेक्शन ऑफ बी इस तरफ है। तो और अच्छे से समझाऊं तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके घर की सीलिंग की तरफ है, छत की तरफ होगा, और ये वाली डायरेक्शन आपके घर के फ्लोर की तरफ है, जमीन की तरफ होगी, ऐसे समझ सकते हो। एक तरफ वो टुवर्ड्स फ्लोर है और एक तरफ वो छत की तरफ है। और इनका सिंबल क्या होगा? तो जो डाउनवर्ड साइड होती है उसके लिए सिंबल क्रॉस का होता है, और जो अपवर्ड साइड होती है उसके लिए सिंबल सर्किल के अंदर डॉट। सर्किल के अंदर डॉट दिखाने का मतलब ऊपर की तरफ, और सर्किल के अंदर क्रॉस दिखाने का मतलब नीचे की तरफ। और एग्जांपल दूंगा मैं भी, क्योंकि मेन पार्ट है, ये मेन पार्ट है, यहाँ पर आपके सीनियर स्टूडेंट्स की भी हालत खराब है, आपकी तो छोड़ ही दो, आपकी तो हालत खराब है, ये सीनियर स्टूडेंट्स की भी हालत खराब है। तो तुमको मैं और समझाता हूँ, अब आप समझना क्या करना है। तो एक मिनट मैं एक और एग्जांपल दूंगा और ध्यान से बनना। मैं कह रहा हूं एक वायर है, अ वायर इज अलोंग, इज अलोंग वेस्ट ईस्ट लाइन, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ओके। करंट उसमें ईस्ट की तरफ जा रहा है, करंट की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स ईस्ट साइड पर है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? एट ए पॉइंट अबव द वायर, एट ए पॉइंट अबव द वायर क्या होगा आंसर? ठीक है, आपको टाइम दे रहे हैं, करके बताओ। अरे बच्चा लोग बोलो आंसर क्या होगा, लिखना नहीं आज, बोल रहा है आपको, बताओ क्या आंसर आएगा, क्या डायरेक्शन आएगी इसकी? अनुष्का बच्चा एक मिनट ध्यान से देखो, ध्यान से। अच्छा इस चीज को इमेजिन करो, आपके घर के आसपास बाहर बिजली के खंभे होते हैं ना, बिजली के पोल्स होते हैं, उस पर तार होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऐसा ही कोई तार है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, और हम लोग उसके ऊपर की तरफ हैं। अब थोड़ा सा डायग्राम समझने में प्रॉब्लम फिर होगी आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको डायग्राम समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये थ्री डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन है, तो इसमें प्रॉब्लम होगी। तो मेरी कोशिश देखो, मैं फिर से एक बार ट्राई तो करूंगा पूरा समझाने के लिए, बट टफ होगा थोड़ा सा। हाँ युवा, टुवर्ड्स नॉट,
अच्छा एक सेकंड देखो, एक सेकंड मैं देखो समझा रहा हूँ, एक मिनट समझा रहा हूँ आपको, ऐसे समझाते हैं देखो, मान लो ये ग्राउंड है, आपको समझाते हैं एक बार फिगर समझाने की कोशिश करूंगा मैं, कि ये मैंने ग्राउंड मान लिया। उस ग्राउंड पर हमें सबको पता है कि जो ग्राउंड है उस पर अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो ग्राउंड के ऊपर आप डायरेक्शन को ऐसे दिखाते हो, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ। हाँ जी अनुष्का आप सही बता रहे हो। और आप ये मानो कि यहाँ पर दो पोल है, एक पोल यहाँ लगा है और एक पोल हमने यहाँ कहीं लगा रखा है, दो पोल लगा दिए हमने, और इन दोनों पोल के बीच में हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों पोल्स के बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर, और उसमें करंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, करंट जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब आप समझ सकते हैं इसको? नहीं कुंज बच्चा एक मिनट देखो, कोशिश तो मेरी पूरी हो रही है, देखो आपको डायग्राम समझा पाऊं। और अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड हमें कौन से पॉइंट पर देखना है, किस पॉइंट पर? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज अबव द वायर, तो इस वायर के ऊपर एक पॉइंट है ना, जो पॉइंट है वो वायर के ऊपर है, आसमान की तरफ, बादलों की तरफ, यहां पर पॉइंट है, उसको मैं पी कह दे रहा हूं। तो तुम्हें क्या करना है देखो, हाँ जी अर्णव, तुम्हें क्या करना है देखो, किस तरीके से अपने रखना है, आप अपना राइट हैंड का थंब इधर रखो, थोड़ा सा इमेजिन करो, क्योंकि ये तब हो पाएगा बच्चा जब आप अपने साथ इमेजिनेशन स्ट्रांग करो, थंब इधर रखो और फिंगर को रखो वायर के ऊपर, फिंगर ऊपर की तरफ, अब आप बताओ किधर जाएगा, अब आप करके देखो, वन्या राइट हैंड करो, राइट हैंड, वन्या राइट हैंड, राइट हैंड करिए बच्चा, हो सकता है आप लोग लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो, एक बार ये एनसियोर करो कि आप राइट हैंड यूज करो और कोशिश करो। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, देखो कृष्णा सिंह देखो, ये वायर मान लेते हैं ठीक है, तो मेरे को थंब इस तरफ रखना है, थंब इस तरफ है तो थंब हमारा इस तरफ हो गया, और फिंगर ऊपर जानी चाहिए, फिंगर ऊपर की तरफ रखो, तो आपका राइट हैंड पाम साउथ साइड की तरफ होगा या नॉर्थ साइड की तरफ होगा ये बताओ, एक बार जरा करके देखो और मुझे बताओ किस तरफ होगा आप। बच्चा ध्यान से मैं फिर बोल रहा हूँ, नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है, और ये सब आपके टेबल के ऊपर हैं, अपनी टेबल के ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना के देखूं, वायर है हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो आपका थंब इस लाइन के इधर जाना चाहिए, पैरेलल टू दिस लाइन ऐसे, और फिंगर ऊपर की तरफ क्योंकि आप उस वायर के ऊपर देख रहे हो, तो ऐसे जब राइट हैंड रखोगे, मैं करके नहीं दिखा पा रहा हूं, तो आपका ये पाम इस तरफ आ रहा है ना, इस साइड इस तरफ आ रहा, तो इधर कौन सी साइड है, इस तरफ कौन सा साइड देख रहे हो, इधर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, साउथ है कि नॉर्थ है, अजी कृष्णा बताओ कौन सा डायरेक्शन, बाकी लोग बताओ कौन सी डायरेक्शन आ रही है मेरी सर, जिस साइड हाँ जा रहा है उस साइड तो साउथ है। हाँ तो वही डायरेक्शन है जिस तरफ आपका आपका राइट हैंड पाम जिस तरफ फेस है, साउथ ही तो आंसर दिया था, नहीं साउथ वाला आंसर सही है तो मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं मतलब उसको वान्या को सही कर रहा था, वान्या को मेरे ख्याल से अभी क्लियर नहीं हो पा रहा उसको, या और भी एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ कि वो समझें इस चीज को। अब एक्चुअली क्या हम लोग आमने सामने होते तो दिखाते, इस चैप्टर में डिफिकल्टी है थोड़ी सी, तो मेरा कहने का मतलब है हमारा आपका ऐसा करने पर राइट हैंड पाम इस तरफ फेस करेगा साउथ वाली साइड पर, तो आप ये कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स साउथ है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स साउथ। अच्छा एक और काम करके दिखाते हैं, चलो आप देखो वहलो कि फ्लेमिंग्स रूल भी है, बट फ्लेमिंग रूल पे ना थोड़ा वो भी एक तरीका है, लेकिन उसमें भी आपको
फिंगर्स वगैरह का यूज करना है। तो देखो अच्छा एक और एग्जांपल देखो, चलो एक और एग्जांपल, एक और ट्राई करते हैं। ये बताओ करंट जो है वो साउथ टू नॉर्थ, ये करंट का डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, और जो पॉइंट है वो ईस्ट ऑफ द वायर है, वायर के ईस्ट साइड पर है। अब बताओ क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करके बताओ, राइट हैंड, अपना राइट हैंड का थंब ना साउथ से नॉर्थ रखो, राइट हैंड का थंब रखो साउथ से नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट। और हाँ एक मिनट देखो, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना कैसे है। तो आप जिस टेबल पर अपनी आपकी जो कॉपी है जहां पर आप लिख रहे हो, आप जिस कॉपी पर लिख रहे हो ना, उसका राइट वाला पोर्शन ईस्ट है, लेफ्ट वाला पोर्शन वेस्ट है, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ है और ये वाला पोर्शन साउथ है। मतलब ये चारों डायरेक्शन पेपर पे है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ पेपर पे है, ऑल ऑन द पेपर होते हैं। फिर से बता रहा हूँ यार, देखो मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पेपर है जिस पेपर पे आप अपना लिख रहे होगे ना, तो उस पेपर की ऊपर वाली साइड उसको आप नॉर्थ मानिएगा नॉर्थ, और पेपर का बॉटम साइड साउथ, पेपर का लेफ्ट साइड वेस्ट और पेपर का राइट साइड ईस्ट। तो पहले तो आप ये डायरेक्शन क्लियर कर लो। अब आपको थंब रखना है साउथ से नॉर्थ, यानी कि अपना थंब रखो अपने पेज के टॉप साइड की तरफ, पेज के टॉप साइड की तरफ अपना थंब रखो और फिंगर पेज के राइट साइड की तरफ रखो, थंब पेपर के टॉप साइड की तरफ और फिंगर पेपर के राइट साइड की तरफ। अब बताओ किधर की तरफ डायरेक्शन आ रही है इसकी, वन्या नहीं कर पा रहे बच्चे मुझे लग रहा है। अश्विका आप भी थोड़ा देखो, देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं फिर समझा दे रहा हूँ, देखो एक बार फिर समझा रहा हूँ। नॉर्थ का मतलब टॉप ऑफ पेज, फिर से कोशिश करते हैं, नॉर्थ का मतलब टॉप ऑफ पेज, साउथ का मतलब बॉटम ऑफ पेज, ईस्ट का मतलब राइट ऑफ पेज, राइट ऑफ पेज, पेज का राइट साइड, और वेस्ट का मतलब लेफ्ट ऑफ पेज। पहले तो आप ये समझो, मतलब ये चारों डायरेक्शन आपके पेज पे हैं, ऊपर वाले साइड टॉप। तो अब आप सुनो मैं क्या कह रहा हूं, साउथ से नॉर्थ इस डायरेक्शन में अपना थंब रखो, एक एक स्टेप चलो, पहले अपना राइट हैंड थंब नॉर्थ की तरफ, यानी कि कॉपी के टॉप साइड की तरफ, कॉपी के टॉप साइड की तरफ, मतलब पेज के ऊपर की तरफ अपना अंगूठा रखो, अपना राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ कर दो और फिंगर पेज के राइट साइड की तरफ खोलो, फिंगर्स को पेज के राइट साइड की तरफ, ईस्ट ऑफ द वायर्स, यहाँ फिंगर रखो। अब बताओ आपका राइट हैंड पाम कहाँ जा रहा है करके देखो। अब यह थोड़ा सा मुश्किल तो है, थोड़ी सी टफ जरूर है, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, देखो। हाँ अभी मेरे पास एक रफ कॉपी है, मैं इस रफ कॉपी पे समझाता हूँ तुम्हें, मैं इस रफ कॉपी पे समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो आपकी डबल लाइन है ना, आपका थंब इधर करो, आप इस तरफ थंब रखो अपना इस साइड पे टॉप साइड पे, और इधर वाली साइड पर अपनी फिंगर रखो, तो इधर थंब और इधर फिंगर। अब आप बताओ आपका राइट हैंड पाम ऐसा नहीं लग रहा कि पेपर के नीचे जाएगा, आपका हाथ कैसे जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, आपका पाम डाउन साइड है, इसको डाउन साइड कहेंगे, इसको अप साइड कहेंगे। आप अपना राइट हैंड पाम देखिए, ये अप साइड है और ये डाउन साइड है, तो इस क्वेश्चन में किधर की तरफ आएगा, इस क्वेश्चन में किधर की तरफ आएगा, एक बार करके देखो। अश्विका वान्या आप लोग बताओ, अगर नहीं क्लियर है तो फिर से और एग्जांपल देंगे, बट अभी बताओ किधर की तरफ होगा, अगर समझ आ रहा तो। सिंपल सा रूल बता रहा हूं, अगर आपका हाथ ऐसे है तो आप डाउनवर्ड कहोगे, और अगर आपका हाथ ऐसे हो रहा है तो आप अपवर्ड कह दो। अब आपका हाथ किस तरीके से आएगा, आपका राइट हैंड कैसे आएगा, अगर आप अपना थंब कॉपी के टॉप साइड की तरफ रखो और फिंगर्स कॉपी के राइट साइड की तरफ रखो। अब बताओ आपका हैंड इस पोजीशन में है या फिर इस पोजीशन में, किस टाइप की पोजीशन आपके राइट हैंड की बन रही है, आपका राइट हैंड किस टाइप की पोजीशन में बन रहा है। अगर ऐसे बन रहा है तो डाउनवर्ड बोलो, और अगर ऐसे बन रहा है तो अपवर्ड बोलो, करके देखो जरा एक बार किधर आ रहा है।
ये आप ध्यान से करोगे ना, ये डाउनवर्ड बनेगा नीचे की तरफ। आराम से करिए, राइट हैंड को प्रॉपरली यूज करना सीखो। एक और एग्जांपल, बट अब ये लास्ट एग्जांपल है, इसमें सबका आंसर सही आना चाहिए। करंट, करंट ऊपर की तरफ है, अपवर्ड, और जो पॉइंट है वो नॉर्थ साइड पर है। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा? अब बच्चा लोग सही बताना है, एक बार में करके बताना है। अब मतलब अब आपको अपना राइट हैंड का थंब ऐसे रखना है ऊपर की तरफ, जैसे लाइक वाला बटन नहीं होता, लाइक वाला बटन, तो लाइक वाले बटन के तरीके से थंब रखना है ऐसे, जैसे किसी को अंगूठा नहीं दिखाते हो, तो थंब ऊपर होना चाहिए, थंब ऊपर की तरफ, और फिंगर आपके नॉर्थ साइड की तरफ। नॉर्थ साइड का मतलब क्या होता है? कॉपी का टॉप साइड, कॉपी का टॉप साइड, कॉपी का टॉप साइड नॉर्थ है। तो अपना थंब ऊपर रखो और फिंगर अपनी कॉपी के टॉप साइड की तरफ खोलो, कॉपी के टॉप साइड की तरफ। देखो फिर से बोल रहा हूं, आपका थंब ऊपर होना चाहिए क्योंकि करंट ऊपर है, तो थंब अप, थम्स अप जिसको बोलते हो, थम्स अप, थम्स अप वाला सिंबल यार, थम्स अप ये रखो। उसके बाद फिंगर रखो नॉर्थ की तरफ, फिंगर रखो नॉर्थ की तरफ, ये ऐसे हो जाएगा। नॉर्थ मतलब कॉपी का टॉप साइड जी। अब आपका राइट हैंड पाम किस तरफ है? ये किस तरफ है? ये वेस्ट साइड, ये इधर कौन सी साइड है? इस तरफ कौन सा साइड बोलोगे? आपका राइट हैंड पाम वेस्ट की तरफ है कि ईस्ट की तरफ आ रहा है? आंसर है वेस्ट। इसका डायरेक्शन दिया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट। यार बड़ा सबके आंसर नहीं आ रहे हैं। अनुष्का बच्चा और वान्या आप बताओ, करंट नॉर्थ साइड, करंट जो है वो डाउनवर्ड है, अब आप सही से बताना आंसर, और पॉइंट ईस्ट साइड पर है, जल्दी से बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? करंट डाउनवर्ड और पॉइंट ईस्ट, एक बार फिर से बताओ। लविस ठीक है, सारे लोग बताइए इसका आंसर, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ी टेंशन यही है कि डायरेक्शन पार्ट आप सही से समझ जाओ तो आगे कुछ नहीं करना है मुझे को, मेन पार्ट डायरेक्शन है। त्रिपाठी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसका उनका सही है। एसएसके प्रवीण ठीक है, युवा सही है, अब सबके आंसर आ गए हैं। अभी कुंज का आंसर भी आ गया ठीक है, अभिषेक कुमार ठीक है, अर्णव ठीक, वान्या तुम भी बताओ बच्चा, लास्ट तुम बताओ, जल्दी बताओ। और इसमें प्रॉब्लम मत, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, अपना टाइम ले करके समझ करके तभी आगे बढ़ो, क्योंकि अगर ये समझने में दिक्कत हो गया तो फिर आगे पूरा चैप्टर बेकार हो जाएगा। हाँ जी, अब समझ में आया? पुट योर थम्स डाउन, पुट योर थम्स डाउन ऐसे नीचे, अंगूठा नीचे चला गया, एंड पुट योर फिंगर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट मतलब राइट साइड ऑफ द पेपर, राइट ऑफ द पेपर, तो थम्स डाउन एंड फिंगर्स टूवर्ड्स राइट साइड। ऐसा करने पर आप करके देखोगे आपका जो राइट हैंड का पाम है। हाँ जी वान्या बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। और क्या ये आंसर सभी का साउथ आ रहा है? कोई है तो मुझे बता दो अभी, अगर तुम में से कोई भी, मैंने तीन चार एग्जांपल दिए, इसीलिए ये तीन चार एग्जांपल मैंने इसलिए दिए हैं कि एक बार डायरेक्शन पार्ट्स पर आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, इसको लेकर के बिल्कुल क्लैरिटी अपने मन में ले आओ, तो हम आगे कुछ भी कर लेंगे। डायरेक्शन पार्ट कंफर्म हो जाना चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की मिस्टेक कहां पर होती है मैं बता रहा हूं, नॉर्मली वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड को यूज कर रहे होते हैं, नॉर्मली लेफ्ट हैंड को। नहीं फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं था, वो एक्चुअली क्या है कि डायरेक्शन, देखो एक बार बताऊं, डायरेक्शन को लेके आपके घर में बड़े बड़े लोग, पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, है ना, उनसे पूछ लो कि ईस्ट वेस्ट किधर है तो बता नहीं पाते। एक्चुअली क्या हो कि डायरेक्शंस इमेजिन करना एक डिफिकल्ट टास्क है, मानता हूं इसको, मैं एग्री करता हूं कि ये एक डिफिकल्ट टास्क है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सीनियर स्टूडेंट्स भी आपके परेशान रहते हैं और आप भी परेशान रहोगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन आप सही से मैनेज
नहीं कर पा रहे हो। हाँ, आप अगर इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाओ कि जो आपका कॉपी का पेपर है, हाँ जी लविस बताओ बच्चा क्या है, बोलो। हाँ प्रवीण सही कह रहे हो, मैप वाला भी कंफ्यूज था, बिल्कुल सही कह रहे हो। एनीवे लविस देखो, हो सकता है तुम लोग अपना मेथड भी बना पाओ, और एक सा फ्लेमिंग्स रूल भी है बुक्स में ना, फ्लेमिंग का भी रूल है, फ्लेमिंग रूल, तो वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि बुक में अपनी टेंथ की जो बुक है उसमें फ्लेमिंग का रूल है, फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है, मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ, फ्लेमिंग्स रूल देखना, और फ्लेमिंग रूल बुक में पढ़ने के बाद टेंथ की जो आपकी स्कूल की बुक है उसको पढ़ना, फ्लेमिंग रूल है, और फ्लेमिंग्स रूल पढ़ने के बाद आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर एक बार फिर से देखना बाय दैट फ्लेमिंग रूल, क्योंकि ये तो राइट हैंड अलग रूल है और फ्लेमिंग का एक अलग रूल है, उनका भी एक रूल है। हाँ युवा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बहुत सारे रूल हैं, बट कुल मिला करके हाथों का खेल है, हाथों का खेल इसको नहीं कहते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वेज हैं इसको सॉल्व करने के। हो सकता है कि तुमने इतनी देर में खुद अपना कोई नया रूल बना लिया हो सकता है कि इतने एग्जाम्पल करने के बाद तुमको हो सकता है एक नया रूल तुमने खुद बना लिया हो, ये बेसिकली ऑब्जर्वेशंस हैं। युवा एक मिनट, टेस्ट के लिए ना रुक जाओ, हाँ जी त्रिपाठी जी सही बोल रहे हो। देखो जो टेस्ट के डाउट है ना तुम्हारे, टेस्ट वाले डाउट वो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लेता हूँ, फिर उसकी एक सेपरेट क्लास किसी दिन मॉर्निंग में या फिर लेट इवनिंग में, मॉर्निंग या लेट इवनिंग कर देंगे, जिस दिन आपका बैच नहीं होगा उस दिन कर देंगे। तो मुझे व्हाट्सएप कर दो किन किन क्वेश्चंस में डाउट है। प्रवीण ये कौन सा बच्चा, प्रवीण ये बताओ तुमने जो लिखा है उसमें राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, तुमने जो भी यूज किया है ये लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हो या राइट हैंड की बात कर रहे हो? ओके ठीक है, ठीक है, यही फ्लेमिंग्स रूल है बच्चा, यही फ्लेमिंग्स रूल है। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना है, ये अदर्स, ये राइट हैंड थंब रूल इसको बोलते हैं, ये राइट हैंड थंब रूल जो आप कर रहे हो ना ये है, दिस इज राइट हैंड थंब रूल जो अभी आप कर रहे हो। फ्लेमिंग रूल अलग है, उसके लिए मेरा एक तुम लोगों से एडवाइस है कि आप एक बार किताब खोलो, है ना, स्टडी करो और डायरेक्शंस को देखो। हाँ प्रवीण, और तुम्हें जो भी इजी लगे, तुमको ये वाला रूल इजी लगता है तो इसको फॉलो कर लेना, तुमको फ्लेमिंग्स का रूल आसान लगता है तो उसको फॉलो कर लेना, जो भी रूल तुम्हें अच्छा लगे उसको फॉलो करो, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही करना है। ठीक है, हाँ जी कृष्णा, ठीक है बच्चा, चलो अभी हम क्लास एंड कर रहे हैं, आज एक्चुअली कंटिन्यूएशन में हो गया है। ठीक है, तो थैंक यू, है ना, एंड बाय बाय बच्चा।